दोस्तों, ये बहुत ही शानदार नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये पूरी वीडियो देखें। इस नुस्खे के बारे में बताया गया है, हर प्रकार की नपुंसकता के लिए लाभदायक है। मर्दाना कमजोरी की, नपुंसकता की शिकायत हो, अताशक या उपदस्त, दोस्तों ये गुप्त अंगों के इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह जैसी बीमारी होती प्रतीक हो, हस्तमैथुन द्वारा स्नायु व मांसपेशियां कमजोर कर ली हूँ। दोस्तों, आज के टाइम पे जितनी भी लोगों को दिक्कत है हस्तमैथुन की वजह से, और हस्तमैथुन से आई समस्या को तो ये जड़ से खत्म करता है। अत्यधिक संभोग से मर्दाना शक्ति का नाश हो चुका हो, यह माजून तुरंत पुरुष बनाएगा। हर मौसम व हर आयु के व्यक्ति के लिए लाभदायक है। दोस्तों, आगे इसमें लास्ट में बताया गया, अत्यधिक काम शक्ति वर्धक है, हर प्रकार की कमजोरी जड़ से दूर हो जाती है। वीर्य प्रेम है, हस्तमैथुन स्वपन दोष व शीघ्र पातन उड़नशु हो जाता है। 70 वर्ष का बुढ़ा भी यह माजून खाए और शादी करे तो उसके भी संतान अवश्य होगी। दोस्तों, ये इसके गुणों के बारे में बताया गया है, तो वीडियो आप देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये बहुत ही शानदार माजून मैंने बनाया है, जो कोई भाई बंधु इसे मंगवाना चाहता है वो मंगा सकता है। बाकी दोस्तों, इसकी प्रॉपर विधि मैं आपको बता देता हूँ, इसे कैसे बनाना है, किस किस चीज़ में ये काम आएगा, तो आप इसे खुद भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, शीघ्र पातन नामर्दी के लिए ये बहुत ही शानदार, बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। और दोस्तों, ये मेरी वही बुक है, संभोग आनंद विज्ञान। तो दोस्तों, इसमें A to Z सब सेक्स से संबंधित ही फार्मूले बताए गए हैं। सेक्स समस्या जितनी भी होती हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजना बढ़ानी, बहुत ज़्यादा सेक्स पावर बढ़ानी, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ इसमें बताई गई हैं जिन्हें खाने के बाद जब तक आप नींबू नहीं खाते या नमक नहीं खाते तब तक वीर्य संकलित नहीं होगा, इस तरीके के फार्मूले इसमें बताए गए हैं। तो दोस्तों, आते हैं इस नुस्खे की तरफ। निम्नलिखित योग हर प्रकार की नपुंसकता के लिए लाभदायक है। मर्दाना कमजोरी की, नपुंसकता हो की शिकायत हो, अताशक या उपदस्त के लक्षण प्रतीक होते हैं, हस्तमैथुन द्वारा स्नायु व मांसपेशियां कमजोर कर ली हूँ, या दोस्तों अत्यधिक सेक्स करने से नामर्दी आ गई हो, तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि ये जो माजून है तुरंत ये ताकत देगा, तुरंत ये मर्दाना ताकत को बढ़ाएगा। फिर इसमें बताया गया है कि हर मौसम में और हर उम्र में, यानी कि किसी भी मौसम में और किसी भी उम्र में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों में इस तरीके के जो फार्मूले होते हैं वो अपना एक अलग ही रिजल्ट देते हैं। अब दोस्तों, इसे बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ। तालम खाना, अकरकरा, ये दोस्तों अकरकरा आप देसी लें तो ज़्यादा बढ़िया है, और ईरानी लेना चाहें तो ईरानी भी ले सकते हैं। बाकी तालम खाना, अकरकरा, समुंदर सौंफ, मोचरस, मैदा चोब, उटंगन के बीज और बीज बंद, प्रत्येक 20-20 ग्राम, इन सब का पाउडर बना लेना है और उन्हें भेड़ के दूध में सुखा देना है। भेड़ के दूध में तर कर देना, उसके बाद उसे सुखा लेना है। सूखने के बाद फिर उसे दोबारा से आप भिगोएं, ठीक। अब इन सारी जड़ी बूटियों का पाउडर बना के इसे भावना देना कहते हैं। तीन भावना देनी, उसके बाद एक आपको नारियल ले लेना, सूखा गोला, जो जिसे हम सूखा गोला बोलते हैं, जो हम अपना मिठाइयों में और खीर हलवे में डालते हैं वो वाला, उसके ऊपर से एक टुकड़ा काट लें और उसके अंदर ये सारी दवाइयां भर दें। फिर ऊपर से वो टुकड़ा लगा के ऊपर उसके आटा लपेट दें। उसके बाद इसे आप अंगारों में भून लें, उपले के हों या लकड़ी के हों, ज़्यादा बेहतर उपले के अंगारे रहते हैं, तो उपला जला लें और जब उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए फिर उसमें ये आप रख दें। अब दोस्तों, उसके बाद ये जब आपको लगे कि ये अच्छे से भून गया होगा तो उसे आप अंदर से निकाल लें और जो नारियल गोला है उसे निकाल के उसे कूट लें दवाइयों सहित। अब दोस्तों, उसके बाद ये बताया गया, मेथी के बीज, जंजीर के बीज, रेगमाही, कुलंजन, कबाब चीनी, बालछड़, स्पंद, हरमल, सफेद मूसली,
सालम मिश्री, वंशलोचन, शकाकल, बहमन लाल, बोजीदाना प्रत्येक 30-30 ग्राम, चिलगुंजे की गिरी, तरबूज की गिरी, बादाम की गिरी, पिस्ता, खरबूजे की गिरी। प्रत्येक 50-50 ग्राम। सैमर की जड़ बिना रेशे वाली, यानी कि छोटे पेड़ की आप ये जड़ लें, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह कूट लेना है, सौंठ भी आपको ले लेनी है। इन सारी चीज़ों को कूट के आपको इन्हें मिक्स कर देना है। अब दोस्तों, इसमें बताया गया है सभी औषधियों को, नारियल वाली भी, सबके बराबर मिश्री लेकर किमाम बनाएं और औषधियाँ डालकर माजून बना लें। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि सर्दियों का टाइम आ गया है, तो अगर आप मिश्री डालते हैं तो वो कम ताकतवर होती है, शहद डालते हैं तो शहद बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इसलिए सर्दियों का मौसम आ चुका है, इसमें आप शहद डालें, शहद तो ज़्यादा बढ़िया होगा। फिर दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये माजून मैंने बनाया है, इसमें मैंने सेम यही क्वांटिटी लेके सारी चीज़ें, 10 ग्राम बंग भस्म और 10 ग्राम शिंगरब भस्म और 10 ग्राम लोहा भस्म, ये तीन चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं एक्स्ट्रा। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में बना रहे हैं तो आप ये तीनों चीज़ें इसमें जरूर डालें, और अगर नहीं भी डालते तो दोस्तों ये बहुत हाई फाई चीज़ है, मगर और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें ये तीन चीज़ें डाली हैं। बाकी अगर आप इसे सर्दियों के मौसम में बनाते हैं तो इसमें शिंगरफ डालें, और अगर गर्मियों में बनाते हैं तो शिंगरफ भस्म आप ना डाल के इसमें शिंगरफ भस्म की जगह पर प्रवाल पिष्टी या मोती पिष्टी या प्रवाल मोती की भस्म जो आप डालना चाहें। अगर ज़्यादा शरीर में गर्मी है तो फिर प्रवाल पिष्टी या मोती पिष्टी डालें, और ज़्यादा गर्मी शरीर में नहीं है, नॉर्मल है या नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है, तो फिर आप इसमें भस्म डाल दें। अब दोस्तों, इसमें इसे खाने का तरीका बताया गया है, देखें। इसकी मात्रा 5 से 7 ग्राम तक है। गर्म स्वभाव हो तो गाय के ताज़ा दूध के साथ खाएं, बलगमी तबीयत हो तो भैंस या भेड़ के दूध में 2-3 छुहारे डालकर पकाकर और वह दूध अर्ध गर्म लेकर, यानी कि गुनगुना सा लेके माजून खाएं, ऊपर से दूध पी लें। अब दोस्तों, इसके गुणों के बारे में बताया गया है, अत्यंत काम शक्ति वर्धक है, हर प्रकार की कमजोरी जड़ से दूर हो जाती है, वीर्य प्रेम हस्तमैथुन स्वपन दोष व शीघ्र पातन उड़ंशु हो जाता है, 70 वर्ष का बुढ़ा यह माजून खाए और शादी करे तो उसके भी संतान अवश्य होगी। तो दोस्तों, ये फार्मूला है, मैंने आपको बता दिया है, और इस वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अगर मंगवाना चाहें हमसे तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, और वैसे तो खुद भी आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और 100% कारगर फार्मूला है। कई बार दोस्तों ये मैंने बना के अपने मरीजों को खिलाया है और खुद भी मैंने ये खाया है, तो दोस्तों इसका रिजल्ट काबिले तारीफ है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बाकी आप इसे इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।